झारखंड में चुनाव से पहले आयकर विभाग एक्शन में है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव और उन्हीं के जुड़े लोगों के पत्र पर आयकर विभाग का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग का एक्शन रांची और जमशेदपुर में करीब 9 जगहों पर चल रहा है। झारखंड में आयकर विभाग की छापेमारी, हेमंत सोरेन के करीबी पर आयकर विभाग की तरफ से रेड। रांची जमशेदपुर में 9 जगहों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है जो कि जारी है। हेमंत सोरेन के काफी करीबी सुनील श्रीवास्तव बताए जाते हैं, निजी सचिव भी हैं और हेमंत सोरेन के करीबी पर आयकर विभाग की यह छापेमारी। और चुनाव से पहले झारखंड में 2 चरणों में चुनाव है, 13 नवंबर 20 नवंबर। अमित भारद्वाज फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमित, चुनाव से ठीक पहले यह छापेमारी और इसको लेकर हलचल भी काफी, और काफी करीबी बताए जाते हैं जिन पर छापेमारी हुई है हेमंत सोरेन से। जी अमित। बिल्कुल आशुतोष, देखिए जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी इस वक्त झारखंड में चल रही है और ये 7 से 9 लोकेशंस में है जिसमें जमशेदपुर जैसे इलाके भी शामिल हैं। जमशेदपुर से कुछ दूरी पे एक फैक्ट्री बताई जा रही है जहां पे छापेमारी चल रही है। अब इसमें ये भी दावा किया जा रहा है कि सुनील श्रीवास्तव से जुड़े हुए जगहों पे भी छापेमारी चल रही है। सुनील श्रीवास्तव है कौन? हेमंत सोरेन के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनके निजी सेक्रेटरी हैं और आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो कल्पना सोरेन की राजनीतिक पृष्ठभूमि लिखी गई, तब से सुनील श्रीवास्तव को कल्पना सोरेन के साथ अटैच करके रखा गया है। उनकी तमाम जो सभाएं होती हैं, भाषण, आइटनरी, ये सब कुछ सुनील श्रीवास्तव खुद देखते हैं। तो आप मान सकते हैं कि इसमें बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट है हेमंत सोरेन के, और ऐसे वक्त में चुनाव के 4 दिन पहले जब पहले से इसकी वोटिंग होनी है, तब ये कार्रवाई हुई है, तो इसकी वजह से राजनीतिक लड़ाई झारखंड में चढ़नी निश्चित है। आज राहुल गांधी से लेकर अमित शाह की रैलियां जमशेदपुर में है और शाम को 5:30 बजे हेमंत सोरेन की प्रेस वार्ता है, तो संभवतः हो सकता है कि इस प्रेस वार्ता के अंदर हेमंत सोरेन खुलकर इस पूरे मामले पर आपको केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के एक बार फिर से हमला बोलते हुए दिखाई देंगे। शुक्रिया अमित इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।